हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 18 स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें दो ही क्वेश्चंस करने हैं और दोनों क्वेश्चंस में हमें अपोजिट रेस का डेफिनेशन यूज करना है, अपोजिट रेस से रिलेटेड सम्स करने हैं। तो सबसे पहले हम अपोजिट रेस किसे कहते हैं वो समझेंगे, अपोजिट रेस का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के सम्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलो अपोजिट रेस का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अपोजिट रेस डेफिनेशन है, टू रेस विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड अपोजिट रेस। ये है अपोजिट रेस का डेफिनेशन। तो किसे अपोजिट रेस कहते हैं? टू रेस विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड अपोजिट रेस। तो जब दो रेस में एक कॉमन ओरिजिन होता है और वो दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तब उन दो रेस को हम अपोजिट रेस कह सकते हैं। तो देखो यहां पर मैंने 3-4 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, उसमें से कौन से डायग्राम में हमें अपोजिट रेस मिलते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट डायग्राम में मैंने दो रेस यहां पर लिए हैं, रे ए बी एंड रे सी डी। तो क्या हम इन्हें अपोजिट रेस कह सकते हैं? तो देखो इनमें कॉमन ओरिजिन है क्या? तो नहीं। रे ए बी का ओरिजिन ए है और रे सी डी का ओरिजिन सी है, तो इनमें कॉमन ओरिजिन नहीं है, इसका मतलब ये अपोजिट रेस हो नहीं सकते। सो दीज आर नॉट द अपोजिट रेस। सेकेंड डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर भी दो रेस हमने लिए है, रे यम यन एंड रे यम टी। तो ये दोनों रेस में कॉमन ओरिजिन है क्या? यस, ये दोनों में कॉमन ओरिजिन है। यम इज द कॉमन ओरिजिन। हाँ, ये पहला रे यम यन का भी ओरिजिन यम है, दूसरा रे यम टी का भी ओरिजिन यम है, तो इनमें ओरिजिन कॉमन है। लेकिन साथ साथ ये दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं क्या? तो नहीं। हाँ, दीज टू रेज आर नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो देखो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कॉमन ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन की, तो ये दो रेस को भी हम अपोजिट रेस नहीं कह सकते। रे यम यन एंड रे एम टी आर नॉट अपोजिट रेस। थर्ड डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं, थर्ड डायग्राम में भी हमने दो रेस लिए हैं, रे पी क्यू एंड रे पी आर। तो इनमें कॉमन ओरिजिन है क्या? यस, ये दोनों रेस में कॉमन ओरिजिन है। ये पी जो है वो दोनों रेस का कॉमन ओरिजिन है, यानी कॉमन ओरिजिन है। उसके बाद क्या ये दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं क्या? यस, ये दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म करते हैं। तो ये थर्ड एग्जांपल में हमने जो दो रेस लिए हैं ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं। हाँ, ये इनमें कॉमन ओरिजिन भी है, P इज द कॉमन ओरिजिन एंड दिस टू रेस फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों रेस दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस टू रेस आर अपोजिट रेस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रे पी क्यू एंड रे पी आर आर अपोजिट रेस, अपोजिट रेस। तो थर्ड डायग्राम में हमें अपोजिट रेस मिल गए और अपोजिट रेस किसे कहते हैं वो भी हमें थोड़ा समझ में आ गया। अब फोर्थ डायग्राम भी ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहां पर भी हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लिए हैं, दोनों लाइंस पॉइंट पी में इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमें चार रेस मिल गए, रे पी ए, रे पी डी, रे पी बी एंड रे पी सी। तो क्या यहां पर भी हम अपोजिट रेस फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो पहले हम रे पी ए और रे पी बी को देखते हैं। रे पी ए एंड रे पी बी में P इज द कॉमन ओरिजिन, यानी रे पी और रे पी बी में कॉमन ओरिजिन है, एंड रे पी ए एंड रे पी बी एक स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स इस डायग्राम में अगर हम रे पी ए एंड रे पीबी लेंगे तो ये अपोजिट रेस है ऐसा हम कह सकते हैं, बिकॉज रे पी ए एंड रे पीबी हैव कॉमन ओरिजिन एंड ऑल्सो दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स दीज टू रेज आर अपोजिट रेस। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, रे पी सी एंड रे पी डी। तो रे पी सी एंड रे पी डी अगर हम लेंगे, हाँ, रे पी सी एंड रे पी डी, तो इनमें भी P is the common origin and these two rays are forming a straight line,
यानी इन्हें भी हम अपोजिट रेज कह सकते हैं। अब इनके बजाय और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, रे पी ए एंड रे पी डी, रे पी ए एंड रे पी डी। अब ये दो रेज को ऑब्जर्व करो, रे पी ए एंड रे पी डी, दोनों में कॉमन ओरिजिन तो है लेकिन रे पी ए एंड रे पी डी स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे, मींस रे पी ए एंड रे पी डी आर नॉट अपोजिट रेज। तो इस तरह से ये सारा डिस्कशन हमने जो किया, इससे आपको पता चल गया होगा कि अपोजिट रेज हम कब किसे कह सकते हैं। तो जब दो रेज में एक कॉमन ओरिजिन होता है और दोनों रेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तब उन दो रेज को हम अपोजिट रेज कह सकते हैं। टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड अपोजिट रेज। तो इस तरह से अपोजिट रेज किसे कहते हैं वो हमें समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन वन शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 18 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें एक डायग्राम दिया है और उसको ऑब्जर्व करके हमें आंसर्स लिखने हैं। दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हमें डायग्राम को ऑब्जर्व करके लिखने हैं। देखो डायग्राम में हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिए हैं और उनको ऑब्जर्व करके हमें पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंगसाइड। फिगर को ऑब्जर्व करके हमें अपोजिट रेज के पेयर्स बताने हैं। तो चलो डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं और अपोजिट रेज के पेयर्स लिखते हैं। क्वेश्चन वन, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंगसाइड। तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके अपोजिट रेज हम लिखेंगे। देखो रे पी एल एंड रे पी एम, ये दोनों रेज अगर हम कंसीडर करेंगे तो इनमें पी इज द कॉमन ओरिजिन एंड दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। इनमें दोनों में कॉमन ओरिजिन भी है और वो एक स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म करते हैं, तो ये अपोजिट रेज का एक पेयर हमें मिल जाएगा, रे पी एल एंड रे पी एम। और दूसरा एक पेयर मिलेगा रे पी एन एंड रे पी डी, ये दोनों रेज में भी पी इज द कॉमन ओरिजिन और ये दोनों रेज भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में हमें अपोजिट रेज के दो पेयर मिल जाएंगे, फर्स्ट पेयर रे पी एल एंड रे पी एम एंड सेकंड पेयर रे पी एन एंड रे पी डी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आंसर पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अपोजिट रेज उसमें फर्स्ट पेयर हमें मिलेगा रे पी एल एंड रे पी एम, एंड सेकेंड पेयर मिलेगा रे पी एन एंड रे पी डी। तो इस तरह से डायग्राम को ऑब्जर्व करके हमें अपोजिट रेज के पेयर्स मिल गए। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, आर द रे पी एम एंड रे पी टी अपोजिट रेज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रे पी एम एंड रे पी टी अपोजिट रेज है क्या, तो हमें ऑब्जर्व करके आंसर लिखना है। देखो रे पी एम दिस रे एंड रे पी टी दिस रे, तो ये दोनों रेज में रे पी एम एंड रे पी टी, ये दोनों रेज में कॉमन ओरिजिन तो है, पी इज द कॉमन ओरिजिन, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। रे पी एम एंड रे पी टी स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, तो ऐसे रेज को हम अपोजिट रेज नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर आएगा रे पी एम एंड रे पी टी आर नॉट अपोजिट रेज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इसका भी आंसर लिखेंगे, आंसर रे पी एम एंड रे पी टी आर नॉट अपोजिट रेज, आर नॉट अपोजिट रेज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म, they do not form a straight line. They do not form a straight line. तो इस तरह से second question में जो दो rays हैं वो opposite rays नहीं है क्योंकि वो straight line नहीं form करते।
तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 18 में बस इतना ही काम करना था हमें, दो ही क्वेश्चंस थे, दोनों का आंसर हमने लिख दिया, तो प्रैक्टिस सेट 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 19 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।